गाने को हम पहले बजा के सुनाते हैं, फिर आपका ट्यूट डाल देते हैं। अगला वीडियो में बोले थे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो होगा मिले जो कार्यकारी उस गाने पे, लेकिन कुछ चेंज किया गया है क्योंकि कुछ दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर का तिरोधान दिवस है, ताकि आप लोग उस प्रोग्राम में इस गाने को बजा सको। ऐसा गाना लिखा है जो है ये भी एक रविंद्र संगीत है, तुम ही रवे नीरवे हृदय मोमो। तो चलिए गाने का नोटेशन देखते, चलिए गाने का नोटेशन देखते। गाने का नोटेशन शुरू होगा मिले टिप का माँ से। तो नोटेशन कैसे पड़ेगा, म ग रे 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 स रे ग, यह जो गा है दोनों गा कोमल गा है, यानी आपको स्लाइडर प्रेस करके रे बजाना है। यह का पूरा नोट होगा आपका मिडिल ऑक्टेव का। तो कैसे बजाएगा देखिए, म ग रे 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 स रे ग, यह जो मा गा रे रे है, आप मा गा रे को लंबा भी खींच सकते हो। कैसे, म ग रे, मतलब दो रे के जगह आप एक रे को लंबा सस्टेंस कर सकते हो। उसके बाद रे सा रे गा, तो यह जो गा है दोनों गा मिडिल ऑक्टेव का कोमल गा है, बाकी नोट मिडिल ऑक्टेव का नेचुरल नोट है, यानी प्योर नोट है। नेक्स्ट लाइन रे म ग म ध प म ग म प ग म ग रे। नोटेशन शुरू होगा मिडिल ऑक्टेव का रे से। नोटेशन को कैसे पड़ेगा, रे म ग म ध प म ग म प ग म ग रे। तो लास्ट में जो दो गा है जिसको हमने स्मॉल लेटर में लिखे, दोनों गा मिडिल ऑक्टेव का है और कोमल गा है, बाकी नोट आपका मिडिल ऑक्टेव का है और प्योर नोट है। नेक्स्ट लाइन वही पहले वाला लाइन है, म ग रे 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 सा रे ग, कैसे बजाएगा देखिए। तो लाज वाला जो गा है कोमल गा कैसे बजाएगा, मतलब स्लाइडर को फुल प्रेस कीजिएगा, फिर हाफ छोड़िएगा, फिर फुल प्रेस कर लीजिएगा, वही सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट लाइन ग रे स नि ध प म नि 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 निधनी सरे रे। गे स निध प मानी नीनी निधनी सरे रे, म ग रे 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 सरे ग। यह जो नी धा और पा है तीनों का तीनों नोट लोअर ऑक्टेव का है, जो जिस निक हमने स्मॉल लेटर में लिखे हैं एन को वो होगा आपका लोअर ऑक्टेव का, और कोमल यानी स्लाइडर को प्रेस करके आपको धा बजाना है। जिस नोट के साइड में देखिएगा कोमा है वो होगा लोअर ऑक्टेव का नोट्स, और जिसके साइड में कुछ भी नहीं है वो है मिडिल ऑक्टेव का, और जिसका माथे पे कोमा होगा वो होगा हायर ऑक्टेव का। और जिस नोट को हमने कैपिटल लेटर में लिखे वो होगा आपका नेचुरल नोट, और जिसको हमने स्मॉल लेटर में लिखे वो होगा आपका कोमल नोट। और माँ को हमने देखिएगा एम को स्मॉल लेटर में लिखे
एम स्मॉल लेटर में ही होगा, प्योर या नेचुरल नोट, और एम को अगर हमने कैपिटल लेटर में लिखे तो वो होगा आपका तीव्रमा। एम जो है उल्टा लिखा जाता है। तो चलिए कैसे बजेगा देखिए। तो जितना सारा कोमल नोट है उसका आप क्या कीजिएगा, स्लाइडर जब प्रेस कीजिएगा तो फुल प्रेस कीजिएगा, फिर हाफ खोलिएगा, फिर फुल प्रेस करके फिर छोड़ दीजिएगा, तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिसमें सिंगल हो खास करके लास्ट वाला। इसके बाद है अंतरा और संचारी, इस दोनों का नोटेशन के लिए आप देखिए नेक्स्ट वीडियो।